सभी छात्रों का देव क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस के माध्यम से आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 10वीं के एक महान दार्शनिक की कहानी, जिसको हमने एक लॉन्ग आंसर के रूप में बनाया है, और वो है आपके सुकरात। चेहरे को देखकर आप पहचाने गए होंगे कि ये वही व्यक्ति था जिसने एक जहर को प्याले को बहुत ही खुशी खुशी ग्रहण किया। क्या कारण थे इसके पीछे, सुकरात क्यों इतना फेमस हुआ, और कौन था और कहाँ के रहने वाले थे, सारी चर्चा होंगी लॉन्ग आंसर के अंदर। तो जितने भी 10वीं के छात्र हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो ये लॉन्ग आंसर आपको कभी भूलने वाला नहीं है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सुकरात वाज ए ग्रेट फिलोसोफर। सुकरात वाज माने था, ए माने एक, ग्रेट माने महान, फिलोसोफर माने दार्शनिक। सुकरात एक महान दार्शनिक था। ही लिव्ड, वह रहता था इन एथेंस, माने एथेंस, वह एथेंस का रहने वाला था। ही वांटेड टू मेक एथेंस ए परफेक्ट स्टेट। ही माने वह, वांटेड माने चाहता था, टू मेक माने बनाना, एथेंस एक शहर का नाम है, एक परफेक्ट स्टेट माने एक पूर्ण राज्य, वह एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाने की सोच रहा था। ही वाज ए ग्रेट टीचर, वह एक महान अध्यापक भी था। ही वाज वेरी वाइस एंड नोबल, वह बहुत ही बुद्धिमान था, एंड नोबल, नोबल का मतलब बुद्धिमान और जानकारी रखने वाले व्यक्ति था। ही टोल्ड द पीपल व्हाट वाज ट्रू। ही माने वह, टोल्ड माने कहता था, द पीपल माने लोगों से, व्हाट वाज ट्रू माने क्या सत्य था, जस्ट एंड ब्यूटीफुल और क्या सही है और क्या खूबसूरत है। सो माने इसलिए, पीपुल लव्ड हिम, इसलिए लोग उसे पसंद करते थे। हिज फेम स्प्रेड फॉर एंड वाइड, उसकी जो प्रसिद्धि थी, फेम माने होता है प्रसिद्धि, स्प्रेड माने फैली, फॉर एंड वाइड माने चारों ओर, उसकी प्रसिद्धि इस कदर चारों ओर फैली, बट सम पीपुल थॉट दैट ही वाज मिसलीडिंग द यूथ, लेकिन फिर कुछ लोग ये सोच रहे थे कि वह नौ युवकों को गुमराह कर रहा है। सो एथेंस गवर्नमेंट, इसलिए एथेंस की जो सरकार थी, समन्ड, समन का मतलब होता है जब किसी को डेथ वारंट दिया जाता है, उसके लिए होता है समन हिम, इन द कोर्ट ऑफ, सॉरी, समन के मतलब हाजिर होने के लिए है। सो एथेंस गवर्नमेंट समन हिम इन द कोर्ट एंड सेंटेंस हिम टू डेथ, इसलिए एथेंस की जो गवर्नमेंट सरकार थी उसने उसे वहाँ बुलाया और उसे मृत्युदंड दे दिया। सुकरात मेड नो कंप्लेंट एथ डेथ सेंटेंस, सुकरात को इस मृत्युदंड से कोई शिकायत नहीं थी। ही टोल्ड हिज पीपल, उसने अपने शिष्यों से कहा, नो एविल कैन हैपन ए गुड मैन, नो एविल कैन हैपन ए गुड मैन इन लाइफ और आफ्टर डेथ। उसने कहा कि एक गुड मैन, एक अच्छे व्यक्ति इन लाइफ और आफ्टर डेथ, कि वह जीवित रहकर भी और मरने के बाद भी हमेशा प्रशंसा का पात्र रहेगा। ही ड्रंक अप द कप ऑफ पॉइजन, ही ड्रंक अप माने उसने पी लिया, द कप ऑफ पॉइजन माने जहर का प्याला, एंड बिकम इमोर्टल और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। तो ये थी एथेंस के एक महान दार्शनिक की कहानी, जिसको हमने लॉन्ग आंसर के रूप में रखा था। उम्मीद करते हैं इसका एक एक शब्द आपको समझ में आया होगा, हर सेंटेंस को हमने पूरी तरीके से मीनिंग से बताया। अगर आपको पसंद आया तो आप इस एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर पसंद आया तो अच्छा और नहीं पसंद आया तो बुरा, दो में से कोई कमेंट तो ज़रूर करें। चलते हैं अगले लॉन्ग आंसर की ओर। अगर इसी सोक्रेटिस, मतलब सुकरात के लॉन्ग आंसर को आपको हेडिंग के रूप में लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग है इंट्रोडक्शन, मतलब प्रस्तावना, प्रस्तावना का मतलब रूपरेखा। तो सुकरात वाज ग्रीक फिलोसोफर, सुकरात एक ग्रीस दार्शनिक था। ही लिव्ड इन एथेंस, वो एथेंस में रहता था। ही वाज अगली, वो बदसूरत था, अंडर साइज, उसकी जो आंखें थी अंडर से अंदर की ओर थी, एंड हिज
ए फ्लैट नोज और उसके पास एक चपटी हुई नाक थी एंड बुल्जिंग आइज माने उभरी हुई आंखें थी, उसका चेहरा धसा हुआ था। नेक्स्ट में देखिए दो दो लाइनें लिखनी है, बाकी जो अंडरलाइन है उतनी आपको बताना है। हिज अर्ली लाइफ, तो ही लर्नड म्यूजिक, उसने म्यूजिक सीखा था, जिमनास्टिक सीखी थी, साइंस सीखी थी, मैथमेटिक्स सीखी थी, ये उसके मुख्य विषय थे। ही वाज ए वेरी थॉटफुल एंड वाइज चाइल्ड, वह बहुत ही विचारशील और बुद्धिमान बच्चा था। अगला ए गुड टीचर, उसकी जो क्वालिटी थी, तो सुकरात लव्ड टू टॉक द यंग मैन इन द स्ट्रीट, सुकरात को नौ युवकों से रास्ते में बात करना बहुत पसंद था। ही क्वेश्चन देम, वो उनसे प्रश्न करता था। द पीपुल गदर्ड अराउंड हिम, और लोग उसे घेर लेते थे। द वेंट विथ हिम वेयर एवर ही वेंट, और लोग उसके पीछे वहाँ वहाँ जाते थे जहाँ जहाँ वो जाता था। ए बोथ एंड करेजिस मैन, एक बोल्ड माने बहादुर, करेजिस माने साहसी व्यक्ति भी था। सम पीपल थॉट, कुछ व्यक्ति सोचते थे, दैट माने कि ही वाज मिसलीडिंग माने गुमराह कर रहा था यंग पीपल माने नौ युवकों को। ही वाज कंडेम टू डेथ सेंटेंस, इसलिए उसे मृत्युदंड दिया गया। बट ही मेड नो कंप्लेंट, लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं थी। ही ड्रंक ए कप ऑफ पॉइजन जॉयफुल, और उसने हंसते हंसते उस जहर के प्याले को पी लिया। ही बिकम इमोर्टल, और वो अमर हो गया। ये थी दो महत्वपूर्ण तरीके से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को सुकरात के आपको अलग अलग प्रश्नों के रूप में बताया। इन दो में से आपको जो याद हो जाए आप उसके पेपरों में लिख सकते हैं। सन 2020 की परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये आपके आने की संभावना है पूरी पूरी। तो आप इसको याद करिए और समझने का प्रयास करिए, रटना नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर हमें एक बार बताएं। और हम एक चीज़ और चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को आप अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर किया करें, ताकि इसका बेनिफिट आपके सभी दोस्तों को भी मिल सके। धन्यवाद।